बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम पिशावरियो, एंड अस्सलाम वालेकुम हिंकवान। दिस इज वंस अगेन योर बॉय शाजी एंड वी आर लाइव एट दिल पिशोरी मशरिक टीवी दे नवे एपिसोड। मैं तुहाड़े सारे नु खुशामदीद कहना वा इस दुआ दे नाल कि तुसी जिधर भी रहो, जिस दे नाल भी रहो, कह रहे हो मसला बाद बाद देख सी है कि जिस दे नाल भी हो, जिस दे नाल भी रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, ते अल्लाह ताला तुहाड़ी हर जड़ी जायज़ ख्वाहिशात, नाजायज़ भी कह रहे हैं लेकिन जायज़ ख्वाहिशात जड़ी भी, अल्लाह ताला तुहाड़ी वो तमाम ख्वाहिशात मंजूर फरमावे। उम्मीद करना, इंतज़ार तुहाने मेरा एज यूजल किया उसी, तो मैं भी तुहाड़ा हमेशा जनाब बड़ा इंतजार करना ताकि यू नो मतलब एक खानदानी रिश्ते साढ़े हो गए जी। हाँ मतलब अस एक दुए बगैर हूँ रह नहीं सकने, हम जिसमें कि हफ्ता चढ़ जाए मैं क्या छोड़ दियो सारे कम जी। आज साढ़े साढ़े सारे प्यार करने वाले ऐसी बात मिल सी है, आज ऐसी बात बैठ खा बैठ सी है, ऐसी आज बात कावे चला सी है जी, तो कोई गल कर सी है, कोई नवी गल कर सी है, कोई यू नो ऐसा खेड़ा भी विचार कर सी है, कुछ मैं भी थोड़ा ना थोड़ा चल दे रहा, लेकिन ये सफर हमेशा चलना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा ही गल करना कि लोग चले जाते ठीक है जी, उन्होंने यादा नाल याद रहा। मेरा मनु नहीं पता थोड़ा मेरा ये सफर कितना वे महीना वे दो वे दस वे दस साल कितना वे, लेकिन मनु एक गल पता वे कि यह जी यादा साने एक दुए नाल क्रिएट की यादा जेडे साने एक दुए नाल बनाई हैं जनाब, ये हमेशा तुहाड़ा ते मेरा सरमाया वन। असी अपने बुढ़ापे कभी बैठ सीए तो ये शो कभी लगा के देख सीए तो जनाब वो चेहरे तक जी मुस्कुराहट आसी लेकिन उन्होंने याद है यार हम बैठ कर बात किया करते थे ठीक हो गया, तो शायद उस टाइम मेरे पैर जोर ना हो लेकिन मेरा दिल तुहाड़े वैसे हमेशा तड़कदा रहसी। मैं आज का शो बिल्कुल शुरू करना लेकिन इससे पहले मैं एक बड़ी मामूली जी गल करना चाहना कि यार पूरी दुनिया अगर जितने जितने भी लोग पे देख दें ना कहीं भी देख दे पे तो सी, मैं तो एक गल करा कि यार पिशोरी जड़ा भी है पिशोर शहर दे जनाब ये लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, इन्हों की यू नो मेहमान नवाजी के बड़े बड़े वाकियात हो। एक वाक्य रिसेंटली मैंने लोया है तो मैं जरूर इंडोर्स कर सकूँ ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि कितने मेहमान नवाज हो। उसी बात टॉपिक वाले आने जनाब मैं पे बड़े बाजार से लथा मैं तो मेरे नाल वालदा आई हैं तो उन्होंने कि यार ठंड आई तो यार मैं किसी मैं काबली पुलाव खानी है मेरे को ठीक है जी, माँ जी ताबेदार है जी, मैं नाल ही गड्डी खिलवाइए मैं लथा नाल ही एक बड़े एक क्या कहते हैं एक स्टॉल थे, एक दुकान भी नहीं स्टॉल आई एक स्टॉल थे, एक बंदे ने पतीला लाया तो बड़ा बुजुर्ग जी शख्स है, मैंने उन्होंने कि जी अजी साहब मनु ए प्लेट कितने दिए, कहते हैं 250 रुपए का फुल तुम्हें ना चमचमी वाला गोश्त, मैंने ठीक है जी, मैंने जी पा दियो, उन्होंने वो प्लेट भरना शुरू कर छोड़ी, मैंने कहा जी पैक कर दियो मैं कार लेके जा सा, जिसमें कि वो पैक पे कर देते एकदम यार तू एक प्रोग्राम नहीं कर रहा तू इनको दा, मैंने कहा जी मैं करना एकदम, मनु कहते जनाब बचे गल ए वे के पैसे मैसे मैं तेरे को नहीं ले सकना, मैं तुम्हें उन्होंने एक रिव्यू पे देना उसे को दुकान भी नहीं आई ठीक है जी, आप ही ठंड जो खलोता है उधर चोल सामने देश का पिया है, लेकिन मनु कहते मैंने तेरे को पैसे नहीं लेने, मैंने कहा जी अजी साहब क्यों हो गए, नहीं कहते बचे तू साड़ी जबान की भी खिदमत करना है, तू साड़े जबान में प्रमोट पे करना है, तो मनु तेरे नाल बल्कि जबान बहुत प्यार है तो मैं तेरे को पैसे ना लैसा भावे मेरी अज जब पूरा दिन रोजगार होया ही ना हो वध भी मैं लैसा, मैंने कहा जी मैंने वध भी उन्होंने दिते लेकिन मैंने कहा जी ये गल मैं जरूर टीवी ते कर सा जनाब ए पिशोरी जिधर भी इन्ना ए इन्हें को भावे अपनी जेब कुछ ना हो ना लेकिन मेहमान नवाज अपने मेहमान नू इज्जत देना साड़ा सेवा वे एनी आओ लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ, तारीफ बड़ी हो गई हम मुद्दे से आ जाओ ठीक हो गया। अच्छा अज तो जनाब टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है तो बड़ा रेलिवेंट भी है बिकॉज दिल पिशोरी जरा प्लेटफॉर्म है असी इस अवेयरनेस की गल भी करने हैं, असी इस थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन की गल भी करने हैं। रिसेंटली मैं एक वाकया पढ़ा है पाकिस्तान के एक हिस्से कि जनाब कुछ लोग राती सुते इन्होंने जी गैस का हीटर लाया तो जिसम की गैस का हीटर इन्हें लगया तो उस लगते हीटर नाल वो सो गए, राती वो गैस पूरे कमरे फैल गई, पूरे कमरे च उस गैस ने अपना जगह बढ़ा छोड़ी, तो सवेरे जितने भी अफराद है जनाब वो उस गैस का निशाना बन गए ठीक हो गया, सवेरे का सूरज उस खानदान ने नहीं देखा। जो तो एक गल मैं सुनी है तो वाला मनु लगे कि यार इस गल करनी बड़े जरूरी है जनाब, अज असी गल कर सी है इस गैस के हवाले नाल होने के नुकसान, असं जो कार हीटर लाने हैं या अभी जो कार सिलेंडर लाने हैं ठीक है या सारे वड़िया वड़िया नलियाँ लोगों को छिकिया होती हैं ठीक हो गया, असी जड़ा भी यह गल करें जनाब गैस के हवाले नाल गैस के हीटर के हवाले नाल होने वाले नुकसान या उसी असी प्रीकॉशन या किसंग असी बच सकने इधर कोलो या किसंग असी महफूज रख सकने अपने आप नू अपने खानदान नू अपने प्यार करने वाले नू ताकि जनाब किसी वड़े हादसे से असी अपने आप नू बचा लेंगे। मेरे को कॉलर हाँ जी अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा किधर पे गल कर दी जी? सर मैं पेशावर से बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रही हैं जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ये तहसील से। तहसील से बात कर रही हैं? अच्छा ठीक है। आप जो तहसील है वहाँ से बात कर रही हूँ। अच्छा, अपना नाम बताएंगी आप? मिसेस जानजेब। अच्छा जी, मिसेस जावेद साहिबा, आज का शो आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी मुझे? कहना, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगी कि आपने पेशावर के मेहमान नवाजी की और ये बात की, लेकिन अगर आपका गौर हो तो आजकल वो मोहब्बतें नहीं रही। हाँ ठीक है। आजकल पेशावर में शायद ये हो रहा है कि जब लोग उठते हैं तो कहते हैं बैठो जी, कावा पी के जाओ। कावा देना पीसो। अच्छा, एक गला भी है। ठीक है। वो जो मैंने यहाँ पर नोट किया, मैं आपको वो अर्ज कर रही हूँ जी। मेरी बात का बुरा मत मनाइए। नहीं, नहीं, प्लीज, आपका आपका हक क्या बोलना, आप बोल सकती हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इन बातों की वजह क्या है? अच्छा, आप क्या समझती हैं इन बातों की वजह क्या, आपको आपके नजदीक ये बातों की वजह क्या है? हेलो जी, जी हेलो, आपके नजदीक इन बातों की वजह क्या है? इन बातों की वजह ये कि मेन वजह ये कि मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और। हाँ, यहाँ पे अच्छा बड़ा सा शेर याद आ गया है कि मेरे शहर में मुनाफिकतों के डेरे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग बसते जो कि तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। मतलब जावेद साहिबा, बड़ी मेहरबानी, तुमने कॉल करके बड़ा अच्छा मालूम किया कि कावा देना कावा देना पीसो। लेकिन जनाब, हमेशा हर जगह च लोग अच्छे बुरे होंगे, ठीक हो गया, असी कैटेगराइज नहीं कर सकने, असी रेफरेंस पॉइंट नहीं बढ़ा सकने। यानी और टॉपिक मेरा अज का जनाब गैस के हवाले नाल, गैस के हीटर के हवाले नाल, सिलेंडर जोड़े सारे लेते हैं जी, वे वे हैं जी, पुराने वक्त के अलग चेंज तो कराओ ने यार, ठीक हो गया, जोड़े सारे सिलेंडर लेते हैं, जी गैस की नलियाँ पैप सारे लेते हैं, असी अज उसी गल कर सी। अगर थोड़े घर भी जनाब इस संग कोई शह है तो तुसंग तुसी किसंग अपनी आपू तो अपनी फैमिली सेफ कर सकते हो जी इस किस्म के हादसा या इस किस्म के बुरे वाकियात ताकि फैमिली जनाब महफूज रहे। इस हवाले गल कर सी, मैं कॉल कर सकते हो, साड़ा नंबर जनाब थोड़ी स्क्रीन पर वे, तो साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पर वे। जनाब एक वाकया रीसेंटली, बल्कि एक साल डेढ़ पहले इस पेशावर शहर के दिल च होया, शामी रोड, तो वह वाकया शायद मेरी फैमिली का वाकया, बिकॉज ये वाकया बताना बड़ा जरूरी है, बिकॉज असी गल तो कर सी लेकिन कुछ बताना जरूरी है। जनाब पहले कॉल ले लवा मैं जी, वह जाइए। अच्छा चलो जी, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या बिल्कुल देखना पिया जी, बस हूं साढ़े इनको प्रोग्राम रह गया बाकी इनको तकरीबन खत्म भी हो गई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अज के शो के हवाले गल कर सो हीटर के हवाले नाल या किसी भी गल कर सो इस हवाले नाल जी। जी बिल्कुल, जिस तरह तुम पहचान दो रात में जिस तरह ला के सो जाना चाहिए तो बड़ा नुकसानदेह चीज है। बिल्कुल ठीक है। हेलो, ओके हुसैन साहब, तुमने कॉल की है, बहुत शुक्रिया। मैं एक रिक्वेस्ट है, जो भी कॉल करो काइंडली अपने टीवी सेट्स की आवाज़ जरूर आज तक करता कि तुम्हारी आवाज़ मैं पहुँच रहे। एक वाकया पेशावर शामी रोड का जनाब, एक बच्चा जिसका नाम सैयद लईक अहमद, मेरे रिश्तेदार भी बल्कि मेरे भरावान आ रही आया जनाब, उदा ना मतलब विह होया, ठीक हो गया, उदा विह हो गया, विह से तकरीबन महीना बाद या 15-20 दिन बाद जनाब वो अपने कमरे च आया, तो जी जोजा मन उन्होंने जिसंगी वो गैस का हीटर जिसंगी ऑन किया, ये वो वाकया है जिसका मैं विटनेस हाँ हर एक शह का, बिकॉज मैं वो बंदा जिस अजी अस्पताल भी राती गए हैं जनाब, जिसंगी उन्हें हीटर ऑन किया, एक धमाका होया, ठीक हो गया, तो उस धमाके के नाल ही दोनों जड़े मियाँ के बीबी वो बुरे तरीके झुलस गए। उसकी वजह है कि जनाब जरा पैप आया ना, जो हीटर पैप होंगे जनाब, वो लूज आया, वो निकलाया आया, वो अंदाजा नहीं आया, लेकिन उन्होंने जिसंगी वो लगाया तो वह पैप तकरीबन 2-3 घंटे से निकला आया, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इस गल का अंदाजा नहीं है, जिसंगी उन्होंने माचूस लाई है जी जनाब, उस धमाके नाल बुरे तरीके नाल जनाब वो दोनों रनते खून जख्मी हो गए।
यानी आओ बड़ा अफसोस वाला वाकया आया, बड़ा अफसरदा वाकया आया। साने बड़ी कोशिश भी की है, बड़ी दुआवें भी कीतियाँ, बड़ी पनावें भी कीतियाँ कि यार अल्लाह ताला इन दोनों जिंदगी देवे, बिकॉज नवा नवा विह हो 15-20 दिन भी नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ताला की जात में कुछ और मंजूर आया, अल्लाह ताला की जात का कोई और मंशा आई ना। तकरीबन उस दे वाक्य दे 8 दिन बाद जरा लई के उसकी डेथ हो गई, उसके 3 दिन बाद उन्हें जी जोजावन जनाब उन्होंने भी डेथ हो गई, तो वह दोनों कपल बड़ा न्यूली बड़ा सोहना बड़ा प्यारा बच्चा आया, और न्यूली मैरिड कपल जनाब इस एक छोटी जी यू नो असी जी गफलत कह सकते हैं इसी होके इस दुनिया पानी न छोड़ गए। मेरा अज का शो भी इसी हवाले न लिए कि अगर असी कॉम्प्रोमाइज कर सकने हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो असी खुदाया इन्हें हीटर से इन्हें सिलेंडर से थोड़ा जि अपनी जान बचाइए। मैं मानना कि जनाब ठंड बहुत है, मैं पता है कि ठंड बहुत है, लेकिन अगर असी एक जुराब के नाल दूई जुराब भी पा ली तो फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरी नहीं गा जनाब कि असी अपने कमरे च जी शैवान एंट्री देंगे जड़ी बाद आके साढ़े वसे साढ़े खानदान वसे साड़ी सेहत वसे एक बड़ा वड़ा मसला बढ़ावन। यही मेरा अज का टॉपिक है, तो मैं इसी ते अज गल कर सक ना। अगर तुआड़े भी तुआड़े कमरे च भी तुआड़े कार च भी जी कोई शह लगी है तो जनाब उन्होंने बड़ा साइड करा दियो। खैर एक लेफ ना लैसी है, दो लेफ ले लैसी है, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पैंदा, एक जुराब ना पासी है दूसरी जुराब भी पा लैसी है, लेकिन बंद कर सी है शायद। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जी जनाब अली कौन साहब किधर पे गल कर दियो जी? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, आमिर अब्बासी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी अब्बासी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत है जी? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का सर। आज दस शो पे देख दियो जनाब, क्या कहना चाहते हो जी? बस आपका प्रोग्राम सुन रहा था सर जी, बस मैंने आपको फोन कर लिया, मैं चलो प्रोग्राम अच्छा लगे आपका। अच्छा अच्छा, तो आज का आप शो देख रहे हैं वैसे? देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप जी? बस अक्सर इस तरह ना गर्म में गैस मांग करते हैं और चूल्हा लगाए और सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस तरह सो जाना सोना गुफी इस तरह आग लग गए खतरा और मर भी सकता है। आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, देखिए जी आप खुद माशाल्लाह बड़े सोबर इंसान हैं, बात यह है कि जनाब अगर हम हीटर ना लगाएं और अगर हम दूसरा लिहाफ भी ले लें दूसरा कंबल भी ले लें तो क्या हमारा गुजारा नहीं होता जी? बस कम इस्तेमाल करें ना, जब छोड़ें तो उसको बंद कर लें। बंद कर दें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जी जी। लेकिन हम लोग कहते हैं जब तक हमारे पाँव बिल्कुल गर्म ना हो जाए आग की तरह हम बंद नहीं करते जी, वो ये क्यों? ये तो गलत है ना जी, आप इस तरह खुला छोड़ दें सो जाएंगे आप फिर आपको बिल्कुल ठीक है, जान खतरे में डालेगा। अच्छा आमिर भाई ये बताए क्या काम करते हैं आप वैसे? मैं सर जी नेशनल बैंक में मनी एक्सचेंज में। अच्छा नेशनल बैंक में होते हैं आप, माशाल्लाह 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 सर। मनी एक्सचेंज में होते हैं सर जी। अच्छा मनी एक्सचेंज में होते हैं सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह तुसी वद भी मनु कॉल कर दे रहा करो ताकि असी आपस से तबादला ख्याल ख्याल कर दे रही है। यानी आओ यही मेरा जो टॉपिक है, मेरे पुराने बड़ी सी गल की थी कि जनाब अगर सोंदे पे हो तो मतलब शायद बंद कर दियो। नहीं जी असी तो बंद ना कर सी, क्यों मुफ्ती आई है, हालांकि मुफ्ती तो पहले है नहीं गी, ठीक है जी पहले तो है ही नहीं गी, अगर है तो बड़ी महंगी में पैदी पई है, लेकिन वाद भी असी कहने जो तक असी बिल्कुल सानू परसे ना छुट पवन असी हीटर वगैरह नहीं बंद करने हैं जनाब, उसी चीज़ साड़ी अख लग जाती है, जो साड़ी अख लग जाती है वाद कॉलर आना है मेरे को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर शाह जी किसे हो जनाब? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। और अगर जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आज द शो पे देख दियो जनाब बिल्कुल बड़ा अच्छा मालूमाती आज का शो था, बाकी सब शो में से बेहतरीन शो है। थैंक यू के जिसे भी मतलब है कि मौजूद होते आज गल पे होती है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये वाकया से सब नो महफूज फरमावे, ते जड़े इस वाकये दी वजह ना जड़े इस दुनिया से गए अल्लाह ताला उन्हें दी मगफरत करे। बाकी रह गया एहतियाती तदाबीर, मौसम बेटा पहले तो गैस भी नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है तब भी लोग इसी ज्यादा सर्दियां भी होती हैं। क्या बात है? इसी ज्यादा सर्दियां भी होती हैं, ट्रैफिक नहीं है, रश नहीं है, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिनल सर्दी होती है, तब भी लोगों ने जिंदगी गुजारी है, अस्सी अस्सी नवे नवे साल ते वो अपनी तभी मौत मरे, ठीक है जी। आजकल सर्दी भी नहीं गई कुछ भी नहीं गई, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी जितनी वध दी है इंसान से तबाही का काल पे बन दी। वाह बिल्कुल सही गल है, समझ गयो जड़ी चीज तुम्हारी सहूलत से बन सी। देखो तुम एंटीबायोटिक खाते हो तो वो तुम अच्छा भी कर दिए लेकिन साइड इफेक्ट भी होते, ठीक है
उसे साइड इफेक्ट भी, इसी तरह जेडी चीज से यूज करने है गैस है कि जो कुछ भी है उसी सहूलत है लेकिन उसे साइड इफेक्ट भी है। ठीक है जी, तो इसके मुकाबले कोशिश करनी चाहिए कि उसे अवॉइड करके ते अपना मतलब ओरिजिनली तौर ते कोट पा लीता जुराबा पा लीतिया समझ गए ठीक है। अच्छा कंबल ले लीते लेफ ले ले सारी सी तो ये प्रोग्राम दे हवाले दे विच पहले होंदा है कि जी हूँ अजकल ब्लैंकेट्स लोगों ने बनाए तो लेफ किधर गए, वो लेफ इसी वजह से चले गए ना, अगर वो लेफ होन तो सानू गैस हीटर की जरूरत ही ना पड़े जी, वो लेफ इतने गर्म होंगे कि दो मिनट अंदर गर्म हो जाता है बंदा, वो अंदर वजूद गर्म हो जाता है, लेकिन अजकल बस टेक्नोलॉजी लोग मद्देनजर रख जो है अपना जरा नुकसान तो बर्दाश्त कर दें लेकिन ओरिजिनल चीज़ों इस्तेमाल नहीं कर दें, समझ गए। अजकल जो बाज लोग जड़े को रिफोर्ड कर सकते हैं तो अजकल देखो ए सी भी आए के गर्मी तो आनू ठंडा कर सुन इन्वर्टर ला लो, इन्वर्टर लगा लो तो उस दिन ओसी मतलब गर्म हो जसी बारे बड़े 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 पड़ पड़े भी तब बस एक चीज है ना वो अमृत से ना कहने ना अमृत से खाओ ते बात उसे नुकसान भी है। अगर जी थोड़ी बड़ी बीमारी जनाब थोड़े कॉल की थी पेशाब रियो आई एम लिविंग ऑन अ ब्रेक तुसी लेफ कट लो ते मैं मिल लवा तुहानू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक माय पीपल। वेलकम बैक माय पीपल एंड असली पे आज गल कर रहे पए हां हीटर दे ते ये सिलेंडर दे नुकसानात ते इस दे हवाले होने वाले जड़े वाकयात हैं उस ते भी गल करने, अगर तुहाड़े भी इस संग कोई गल है जरूर मनु बताओ कि जरा अगर तुहाड़े कार भी सिलेंडर हैं या तुहाड़े कार भी इस संग गैस दी नलियां कमरे तक पहुंच दी हैं ते जनाब क्या सीन क्या है चल क्या रहा है जी, ते तुसी किस संग प्रीकॉशंस लेंदे हो अगर तुहाड़े भी कोई इस संग कोई हिफाजती तदाबीर अप्लाई कीती हैं ते लोगों नु तुसी के मशवरा देसो इस दे हवाले नाल तुहाड़ी जेड़ी भी राय वे जनाब जरूर बताओ ताकि अगर कोई मुस्तफीद हो सकता वे जनाब कोशिश है ना कर ले सी कोई फर्क नहीं पैदा नहीं आओ ना। मेरे मुजफ्फर शाह जी ने गल की ना पहले वक्त ठंड बड़ी पैंती ठीक है लेकिन लोग वध भी 80-80, 90-90 साल तक मतलब सही रहते ठीक है जी, हुण मैं यकीन करो 35-40 साल के लोग इन्होंने अजीब ठंड लगती है क्या अल पहले मुझे लगती है कमाल की बात छोड़ो जी, पहले मनु इतनी लगती कि यार बहुत सर्दी है। मेरे घर कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली कौन साहब किधर पे गल कर दें जी। अरे बादशाह मैं गुलू भाई गल कर रहा हूं घंटा कॉलेज कर जी। गुलू भाई किसंग जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ने एहसान ने मालिक ने करियो बादशाह क्या अरे यार खैर है मेरा गुलू भाई मैं गल करा मेरी गल मान तो तुसी हां जी हां जरा टीवी दी आवाज सरकार थोड़ी जी ऐसा कर दी टीवी दी आवाज बंद कर मैं ताबेदार तुम्हारा जी हो गया जी टीवी आवाज बंद कर ओके जी और गल कर जी गुलू भाई आज दा शो पे देख दियो के करना चाहो जी बैठे है जी शो पे देख लियो थोड़ा शुक्र पिशोरिया ने पिशोरिया ने चैनल ने पिशोरिया ने बंद कर जी आज क्या बात है क्या बात है समझ ना तनिशा पहचान क्या कि मुझे खाली पर्सनल आया कर रहे और भी नहीं जी ना अच्छा पिशोरिया ने आया गुलू भाई ओ भी साडा असासा वे ठीक है जी ओ भी साडी मतलब साडा कल्चर दा हिस्सा वे ठीक है ते ए भी इंशाल्लाह असी नाल मिल मिल के चलसी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह 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 ये पिछोरी नहीं गल जड़ी गल की दी है गर्मी सर्दी दी वो रेडी दे बाजार दी यखनी वाला याद ही जी जी अच्छा अरे वाह ठीक है कोई यखनी जा के पीने नहीं जाने ने पांच छह खाने लोग जो पुराने रिश्ते खत्म हो गए तेरा मेरे क्या बात है आजकल की दुनिया तीस मुंजी आजकल जरा सुन जी हिटर ला सुन जी जी वो कोलिया नहीं अंगी नहीं होता नहीं होता उसने उसने बिल्कुल ठीक है गुलू भाई उस दिन मैं यखनी पीने गया वहां सुन लो मेरा वाक्य भी सुन लो जी उस दिन मनु किसी ने क्या यखनी पी लिया अश नगरी सी मनु पता लगा लगा वो फार्मी चिकन दी यखनी है इतना मनु बुरा लगा मैं कार वापस आ गया जी बस वो खुद ही गल होंगी बादशाह बिल्कुल ठीक है बड़े बड़े पांच साल ने कोई जाके बैठने हैं बड़े पान खाने हैं अरे वाह अरे वाह वो मेजर पिशोरियां नहीं गईयां बिल्कुल ठीक है गुलू भाई अल्लाह ताला तुहानू जिंदगी देवे ते इंशाल्लाह तुसी संगी सानू कॉल करके साड़ी इंफॉर्मेशन इजाफा कर दे रहा मेरे को एक और कॉलर है अस्सलाम वालेकुम जी
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा, किधरों पे गल कर रही हैं जी? जी आयमन बात कर रही हूँ वर्सक रोड से। जी आयमन, कैसे हैं? ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कानू इनको आती है कि नहीं, तुसी बोल देने के मसला के नहीं? नहीं मुझे हिंद को नहीं आती, मैं बोल नहीं सकती। अल्लाह थोड़ी जी ट्राई कर लो, खैर हल्का जी बोल दी। नहीं नहीं मैं बोल ही नहीं, आई कांट स्पीक। अच्छा जी, अच्छा आज शो में देख दियो क्या कहना चाहते हो जी? मैं आपके माशाल्लाह हर एक टॉपिक बहुत अच्छा होता है, और आज आपने लोगों की अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। थैंक यू। मैं आपके एक से दो मिनट लेना चाहूंगी जी, प्लीज। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी कि गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी इतनी नेग्लिजेंस इस चीज में शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, हमें अपने हीटर्स को ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि वो अपना गैस की लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल रखें। गैस कब आ रही है, गैस कब जा रही है, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस बेतियाती की वजह से हम अपने पीछे कितने लोगों को रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मेरे कजन की इसी इसमें डेथ हुई है, मेरी एक फैमिली फ्रेंड है उनकी भी इसी तरह गैस के धमाके से डेथ हुई है। अच्छा। वो सिर्फ ये वजह थी कि गैस की लोड शेडिंग का कुछ पता नहीं था और हीटर ऑन रह गया था। अच्छा, वो हीटर ऑन नहीं, सो गए हैं तो गैस चली गई है, ऐसे ही था? गैस चली गई है और सुबह गैस आई है, तो आजकल गैस में वो स्मेल भी नहीं होती जिसको मार कैप्टन स्मेल कहते हैं, जो पहले गवर्नमेंट डाला करती थी। अच्छा, क्या नाम है स्मेल का? मार कैप्टन स्मेल। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि किस जगह से स्मेल आ रही है, गैस की स्मेल, आपको गैस लीकेज का पता चल जाता है। अब गैस तो वैसे भी ऑर्डर लेस होता है, स्मेल लेस होता है ना, तो उसके में ये स्मेल डाली जाती है। अच्छा, अब ये थोड़ा महंगी हो गई है तो गवर्नमेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके जनाब, बहुत मेहरबानी तुमने कॉल की थी। मेरे को एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन साहब, कितने रुपए गल कर दें जी? हफीज से जी की मुझे बराबर। हफीज साहब किस है जी, ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज द शो पे देख दो हफीज साहब के कड़ा जासो जी। बिल्कुल देखना भी है जी, ते बड़ा जबरदस्त शो है, ते लोगों जा अवेयरनेस पैदा हो सी इस चीज दे नाल कि तुसी इनां नूं एक बड़ी कामत गलां बतांदे हो। अरे वाह, अरे वाह, गैस जिहड़ी ने जी, गैस ए जरा घट इस्तेमाल करनी चाहिए, कमरे ने इजकार बंद, कमरे ने इजकार, क्योंकि जिस वो तो गैस का हीटर लगाने हो तो बड़ी गर्माइश से बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लेकिन लगता है। ये पता नहीं लगता कि ये बुखारात इंसान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हीटर लगे बैठे हो ना, थोड़े बदन जो पानी सुखा देता है, तुम्हें 10 मिनट से बाहर जाओ तो बाद 2 मिनट बाद अंदर आओ तो बाद देखो कि थोड़ा बदन दर्द भी होता है। बिल्कुल एक गल थोड़ी बिल्कुल बचाव है जी, बिल्कुल बचाव थोड़ी एक गल, ये इतना इंतहाई खतरनाक चीज है। इस बात मैंने अपने कमरे चो अपने कार चो गैस के हीटर काट दीजिए, हालांकि मैं बच्चे सारे कहने बेगम कहती है कि ठंड है हीटर लगा, मैं कहना छाना ले लो, लेफ्ट डबल पा लो, कमल पा लो, लेकिन ये हीटर क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा, गल मैं बताओ, जो पिछाड़े पिछोरियां पिछोरी है ना, ये पुराने वक्त संदली जी रखते पिछकार बड़ा जहा लेप पा के तले कोयले बाल लेंदे, हूँ ये रिवाज साढ़े क्यों मुक गया जी? इस बात मुक गया क्यों? इस बात मुक गया कि बड़े लोग ही चले गए जी, जो मोहब्बत करने वाले लोग है, जो समझदार बुजुर्ग है, घर के माँ प्यो दादे दादियां पुफियां, वो नहीं रहे। अच्छा, और नवी पूछ आ गई है और टेक्नोलॉजी पीछे चली गई, कोई गर्म हीटर लाया है, कोई गर्म पखा लाया है, कोई एसी भी आपको ठा लगा नहीं जी, गर्म पखे जी तो बड़ा तंग है जी, ना हवा देता है ना गर्म हवा साट दे जी, एक फजूल चीज है जी। हजार वाट का पखे थे, हजार वाट तुम्हें पता है बिजली कितने छिड़ लेंगे, इसलिए से भी ज्यादा होंगे, तो थोड़ी प्रोग्राम के कार लोगों को बहुत फायदा हो सी, तो उन्होंने मैं पता लग गई कि यार गैस कितनी खतरनाक चीज है। जनाब अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देवे, तो तुमने इतने अच्छे तरीके नाल इस शय नु प्रेजेंट किया है हफीज साहब, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे। देखो जी, मैं हूँ ही मेरे पुराने गल की यार, मैंने ये सिलेंडर यार अपनी जान सी, अच्छा नहीं गा जाने दो यार, नहीं नहीं नहीं, एक एक रात खैर ठंड ही छोड़ी सी यार, कोई फर्क नहीं पैंता, यकीन मानो अगर तुम 10 मिनट कंबल सही ले लो ना जी, तो तुम्हें हीटर मीटर की कोई जरा टोपी पा लो यार, कन भी गर्म हो जाए, ठीक हो गया। मैं अप्रीशिएट कर सकता इन्होंने पुराने, जिन्हें कि मैंने ये तमाम सिलेंडर ये तमाम शेवा अपने अपने कमरे असी जनाब ये निकाली, बिकॉज मनु आपड़ी ते अपने अहलो अयाल दी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक गल मैं ऐड करा जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट गल जनाब, ये पैप होता है पैप, ठीक हो गया, ये पैप जो तो सिलेंडर दे या हीटर दे नोजल ना लग जाए, ठीक है, मैंने बड़े कारण देखा है कि उस नोजल नाल एक खास किस्म का पेच लगता है, पेच वो पेच बेसिकली उस पैप नू टैट कर जनाब, तुमने बहुत दफा देखा उसी के लोग वो पेच नहीं लाते तभी वो पैप निकल जाता है। कॉलर मेरे को यार, अस्सलाम वालेकुम जी, गुस्सा भी आंदा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, नवाज चिश्ती हरिपुर जी। जी जनाब चिश्ती साहब, किसंग जी ठीक ठाक हो जी?
ਕਿਸਮ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਪੁਰ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਕਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਹਰੀਪੁਰ ਐਫਟਾਬਾਦ ਮਾਨਸੇਰਾ ਬਟਾਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਲਗਾਉਣੇ ਹਾਂ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਪ ਦੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੋਰੀ ਪੇਚ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਚ ਉਸ ਪੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪ ਇਸ ਨੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਲਾਬਾ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਸੰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਹੀਟਰ ਛਿੱਕ ਦੇਣ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਉਸ ਪਾਈਪ ਸੀ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੋਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਗੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਯਾਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ अस्सलाम सलाम वालेकुम सलाम चिश्ती साहब बोल रहा अच्छे हो जी क्या करे खरीये के अधूरे वाला सबसे पहले मैं एक शेर थोड़ा सा सुनाना चाहना जी प्लीज सुनाओ जी प्लीज सुनाओ वो बाग ही मेरा हाँ जिस पे नाश था मुझको वो शाख ही मेरे रहीम जिस पे राशी आना था बड़ी हसरत से क्यों करना देखूं उनके कूचे को कि जिस कूचे में जिस कूचे में भी कभी अपना आशियाना था कूचे में भी अपना आशियाना था अरे वाह क्या बात है क्या बात है नवाज जी साहब बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की थी आई एम लिविंग ऑन अ ब्रेक वंस अगेन एंड आई विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक माय पीपल ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਪਣੇ ਈ ਨੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਮੇ ਹਵਸ ਕੇ ਅਸੀਰ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਮੇ ਹਵਸ ਕੇ ਅਸੀਰ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਜਾਨ ਕੇ ਇਤਨੇ ਹਕੀਰ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੁਝਸੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਅਰੇ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੀ ਸਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਹਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ ਵਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਖੈਰੀਅਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਦਾਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੋ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਪਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਬਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਦਲੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਫ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਲੋ ਲੇਫ ਵੀ ਪਏ ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਅਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਬਲ ਉਹ ਚਿਲਚਿਲੀ ਦੀ ਚਿਲਚਿਲੀ ਹੋਣੀ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਹੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਘਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗੀਠੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀਟਰ ਮੀਟਰ ਸਾਨੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਲੈ ਲਓ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲਓ ਬਾਵਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜੁਰਾਬ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਿਬਤ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਤਫਾ ਸਾਹਿਬ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਮੁਲਕ ਚ ਆਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਸੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਸੀਹਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਸ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇ ਇਹ ਦੋਖ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਦਰਾ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਟਾਵੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਾਨ ਹੈ ਤੋ ਜਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਹਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਹਲੋ ਹਲੋ ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੱਟ ਛੋੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬੰਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੀ ਹੱਥ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਈਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੇ ਇਬਰਤ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਛੋੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਮੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਖਬਰ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ ਸੰਦਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦਲੀ ਰੱਖਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕੋਲੇ ਪਖਾਉਂਦੇ ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਇਹ ਟਾਟਕੀ ਚੁੱਕ ਉਹ ਟਾਟਕੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਓ ਐਨੀ ਹਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੋਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਲਬਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਅਜ਼ਾਬੂ ਚਕਰ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਣ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਬਿਸ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੈਠੋਖੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਗਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਪ ਲਗੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵਤ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਤ ਸਿਲੰਡਰ ਪੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਲੀ ਦੀ ਬਾਲੀਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿ ਕਮਰੇ ਗੈਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਕਿਸ ਕਿਧਰੋਂ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਪੈਪ ਲੀਕ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਪ ਪੈਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਲਗ ਕਲਿਪ ਲਗੋ ਇਹ ਕਲਿਪ ਲੀਕ ਆਇਆ ਜੀ ਕਲਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਮੈਲ ਆਈ ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੈ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਛੋੜੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਦਮਾ ਅਲ ਮਿਲਨੇ ਇਸ ਦਮੇ ਸੀ ਬਾਤ ਜਨਾਬ ਯਾਰ
पिशावरियो असी पे अज गल करने पड़े हैं टॉपिक तो पता है एनी हाउ। अच्छा जी वो तमाम हजरात जे मैसेज के थ्रू साढ़े शो का हिस्सा बने उन्होंने भी असाने लाने लैके जाना है। बड़े मैसेज पढ़ने सलाम शाह जी, आई एम बिलावल फ्रॉम चारसद्दा, योर टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई लाइक योर प्रोग्राम, थैंक यू बिलावल एंड गॉड ब्लैस यू। तो इसी इस गल बल्कि जरा गल सुननी नहीं खाली इस बात को आपने आगे पहुंचाना भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कुछ है उनको माँ जी निकालें इसको जनाब, आज मैं दो लिहाफ ले लूंगा लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता। नहीं आओ जी, सलाम रिमला नमक मंडी से, गंधारा के लोग लेन देन के लिए सिक्के इस्तेमाल करते थे, इनके रस्म उलखत के नमूने मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं, पंजाबी उर्दू हिंको और पश्तो इस तहजीब की बाकियात में से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। रिमला थैंक यू सो मच, तुसी हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी यू नो बड़ी एक इंफॉर्मेटिव गल कर दो, मुझे बड़े पसंद और बच्चे जिड़ी यू नो पढ़ी लिखी बात करे, जब मुझे भी कहा यार वाह क्या बात है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, प्रोग्राम इज ऑसम, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, योर प्रोग्राम इज फॉर्मेट अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ वेरी एडमायरिंग, गॉड ब्लेस यू। समारा फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बिलावल खाल फ्रॉम चारसद्दा, टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी हाउ, मेरे गुड कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन किधरों पे गल करते हो जी? मैं फाइजा बात कर रही हूँ पिशावर से जी। फाइजा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं भाई? असी इनको गल कर सकने की उर्दू जी करनी है जी, बता दियो। वो इतनी ज्यादा आती तो नहीं है फिर भी कोशिश, जितनी आंदी है उतनी कम चला सी है, ठीक हो गया जी? जी ठीक है। अच्छा ये बताओ आज दस शो पे देख दोगे कड़ा चासो जी? जी देख भी पे हैं। अच्छा। मेरी वालदा ने सानू कदे हिट बड़ी मजे। अच्छा तुसी इनको जी गल कर सो, ठीक हो गया। अच्छा आज दस शो पे देख दियो तुम्हारी के राय जी? जी साड़ी वालदा ने सानू कदी हीटर वगैरह इस तरह की चीजा से बड़ा दूर रखा है, वो खुद भी इतनी डरती है ना। अच्छा। कि साड़ी का गीजर फिलहाल उत्ते पे है लेकिन खराब हो गया, लेकिन साने कदी चलाया नहीं है। ओए गुड, ते आपने मतलब अगर कार होवे सर्दी होवे तुसी के शय इस्तेमाल कर दो, कोले वगैरह लगा दो, कंबल लें जो के कर दो जी? नहीं अम्मी कहने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे, वो मतलब वो लिहाफ ले लो, ठीक है इस तरह मतलब, लेकिन चूल्हा भी अंदर नहीं लेके आने देंगे जी, हीटर तो दूर रख दे हीटर से। जी चूल्हा भी अंदर नहीं लाया के आने देने मतलब, ठीक है ठीक है, लेकिन इनको जरा सही आती नहीं है। अच्छा अच्छा ये बताएं कि फिर भी तो हम लोग हीटर का पीछा नहीं छोड़ते, मैंने अक्सर देखा है कि लोग पूरा पूरा सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर अपने कमरों में ले आते हैं जी, मैंने ये भी देखा है जी। अच्छा नहीं हमारे घर तो हीटर आया ही नहीं है ना। आया ही नहीं है, अरे गुड हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। फायजा आप पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप? जी मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर की तालिबा। चले अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, और आतवाने कॉल की थी बहुत शुक्रिया, थोड़े मैसेजेस मेरे को और भी नहीं आ रहे, गलन हो ठीक हो गया। सलाम शाह जी, योर टुडे टॉपिक इज़ वेरी एडमायरिंग, हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने और अपने अहलो अयाल का ख्याल रख सकें, ठीक हो गया जनाब। सलाम शाह जी कैसे हैं आप? आप अपने शो में पिशोरी वाइंस की टीम को भी इन्वाइट करें और उनसे भी गपशप करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। सिदरा जान फ्रॉम सर्टी गेट, इसी तरह इंशाल्लाह इन कमिंग एपिसोड्स मैं इससे कम भी करना पिया इंशाल्लाह तुहानू सरप्राइज कर सी है कि इंशाल्लाह वो तमाम लोग जिन्होंने इस कल्चर वसे जबान से काम किया है जनाब वो मेरे सिर अखिया थे, ठीक हो गया। ओके जनाब, तहनीत दुरानी, दिल आवेश दुरानी, वेल डन, बेस्ट शो यू आर प्रेजेंटिंग, थैंक यू तहनीत दुरानी साहिबा। मेरा काम मेरा जॉब है कि जनाब मैं वो गल करा जिड़ी मैं आप ही फील करना, मेरे को किताब नहीं होंगी, मेरे को लिखा है कुछ नहीं गा, लेकिन जिड़ी मैं देखना पियाँ वो तमाम गल्ला मैं तुम्हारे सामने रख सकता। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपका टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल है, एज पर टुडेज वेदर हम सब की स्पेशली मदर्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए, मावा का जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेंटली संग है कि मैं पता चला गया एक बच्चा सड़ गया, ठीक हो गया, निका बच्चा या उसने चार डुल गई कुछ भी होया, मैं खैर तो चला गया उन्हें पूछने वैसे, खैर उस बच्चे की पूरी टंग से चादर इतना बड़ा दाग आया। अच्छा मैं उन्हें पूछा कि यार हुआ क्या है, क्या होया जी? कहने जी साने वो सिलेंडर नहीं होता जी, वो सिलेंडर कमरे च रखाया, ठीक हो गया,
ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਚਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੋਪ ਪੀ ਲੈ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਚੈਨਕ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੈਨਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੰਗ 'ਤੇ ਪੈ ਪਈ ਨਾ। ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੋੜੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰੱਖ ਛੋੜਨ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ, ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂਚਾ ਦੇ ਸਾਲਦਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਾਸਿਮ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਲੀਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੀਕ ਆਇਆ, ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਗੈਸ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਰ ਕੁਛ ਮਾਚਿਸ ਲਗਾਈ ਉਸੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਨਾਬ, ਜਿਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈ ਔਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਯੰਗ ਆਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਫਰੇ, ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ ਖਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੱਚ ਖਾਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਖਾਸ ਉਹ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰ ਫੈਮਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਲੀ ਰੱਖ ਦੇਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡੱਬਗਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਫਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਫਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਨ, ਵੱਡਾ ਲੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਲੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲੋ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਸੰਗ ਫਿਰੋ ਲਓ, ਅਤੇ ਗੱਪ ਸ਼ਾਪ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਆਓ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮਾਈ ਪੀਪਲ।